दोस्तों आज हम चार्जर के बारे में बात करेंगे और बैटरियों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बैटरी के लिए कौन सा चार्जर लेना चाहिए और कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो बात है इसमें जो है लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें 10 एम 15 एम और इसमें देख सकते हैं आप 8 ए और ये 4 एम। ठीक है दोस्तों, और ये एम का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे कि आप कौन सी बैटरी के लिए, आपके पास कौन सी बैटरी और कौन सा चार्जर आप खरीदना चाह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं इरफान आल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर। दोस्तों आज हम चार्जर के बारे में बात करेंगे और बैटरियों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बैटरी के लिए कौन सा चार्जर लेना चाहिए और कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो बात है इसमें जो है लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें 10 एम 15 एम और इसमें देख सकते हैं आप 8 ए और ये 4 एम। ठीक है दोस्तों, और ये एम का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे कि आप कौन सी बैटरी के लिए, आपके पास कौन सी बैटरी और कौन सा चार्जर आप खरीदना चाह रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी मेरे पास फर्स्ट नंबर पर है, ये मैं साइड पे हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है अभी मेरे पास है ये चार्जर। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा उसको ये छोटा चार्जर तो मैं जूम कर रहा हूँ उसको। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 4 एम का है। ठीक है दोस्तों, और ये जो एम और ए का क्या मतलब है और इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं इनमें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और पहले चार्जर के बारे में बात करेंगे कि चार्जर कौन सा है और क्या किस टाइप का लेना चाहिए और कौन सी बैटरी के लिए कौन सा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास 12 वोल्ट 4 एम का चार्जर है। ये मैं डब्बा साइड बैठा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट इस का 4 एम्पीयर का चार्जर है। तो अब जो है ये 4 एम्पीयर का चार्जर है, ये आप ले सकते हैं बाइक वाली छोटी चार वाली जो बैटरी होती है उसके लिए आप ले सकते हैं। उसके बाद 6 वाली बैटरी होती है और उसके बाद 8 वाली बैटरी होती है और उसके बाद 10 वाली बैटरी होती है। 10 वाली बैटरी आप जानते हैं जैसे रिक्शा छोटे चिंकी वगैरह में लगते हैं, 10 वाली बैटरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 10 वाली बैटरी से आगे आप जो है यूज़ ना करें, कर सकते हैं आप 50 वाली 5 एम्पीयर वाली बैटरी से, जो 50 वाली बैटरी होती है 5 प्लेट वाली, वहाँ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी जो मेरा जो तजुर्बा है वहाँ तक जो है आप यूज़ ना करें उसको। अब ये मार्केट में आपको तकरीबन 850-900 रुपये का मिल जाएगा, तो आप ले जाओगे तक 2-3 दिन नहीं चलेगा, चलेगा अभी तो आराम से चार्ज करेगा, ये बहुत ज़्यादा हीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप 10 तक की बैटरी के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं और ये बेहतरीन चार्ज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो एजी कंपनी है ना ये बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, तो आप इसको जो है 10 वाली बैटरी तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसको साइड पर कर रहा हूँ कि 10 तक की बैटरी के लिए, बाइक से लेकर 10 तक की बैटरी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको साइड कर रहा हूँ, जो दूसरे नंबर पर मेरे पास चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लाइट गया मेरे पास, तो लाइट का मसला है थोड़ा वेस्ट कर, मैं लाइट का मदद कर देता हूँ। तो दोस्तों लाइट आ गया मेरे पास, तो अभी ये जो दूसरे नंबर पर मेरे पास है 12 वोल्ट 8 ए का चार्जर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ये भी जो है जो इजी कंपनी का चार्जर, ये कंपनी नहीं है बल्कि जो इजी और ये जो चार्जर है ना दोस्तों, ये इसकी जो किट है और इसका जो फ्रेम है ये चाइना से ये इंपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ ला के कोई भी अपनी कंपनी का नाम देकर इसमें स्टेकर मेटेकर लगा के डब्बा अपनी कंपनी का लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन है बड़े बेहतरीन चार्जर और बहुत फायदा चार्जर है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है 8 ए का चार्जर है ईस्टर्न स्टार। तो आप इसको ना दोस्तों 10 वाली बैटरी में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बाइक से लेकर 10 वाली बैटरी तक जो मैंने पहले चार्जर दिखाया 10 वाली बैटरी पर भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह है ना दोस्तों कि आप यूज़ करेंगे, चार्ज करेगा करेगा लेकिन 5 मिनट नहीं चलेगा, इसको फुल दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, तो जो है ये ज़्यादा एम्पेयर देखे एकदम इसको फुल दिखाएगा और चार्ज नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है 10 तक की बैटरी इसको चार्ज करने के लिए बिल्कुल यूज़ ना करें, और अगर करेगा भी तो आपकी बैटरी ख़राब कर देगा। तो अब इसको जो है 10 से आगे जो बैटरी होती है आप सब जानते हैं दोस्तों कि इसमें 35 वाली बैटरी होती है, उसके बाद 50 वाली बैटरी होती है, इससे आगे मुख्तलिफ़ किस्म की 100 तक की जो बैटरी होती है। आप इसको 100 तक की बैटरी पर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप जो है 70, 75, 80 तक की बैटरी के लिए यूज़ करें, 100 तक इसको यूज़ ना करें। अगर कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, खुद भी करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, लेकिन जल्दी ख़राब होने के खतरा होते हैं इसमें। तो जो है बेहतरीन चार्जर है और आप उसको 35 वाली बैटरी से लेकर आप उसको 80 वाली बैटरी तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी में 8 एम्पीयर होते हैं, लेकिन जो सारे चार्जर है ना दोस्तों उसमें जो एम्पीयर लिखे होते हैं इसमें एम्पीयर जितने लिखे होते हैं उतने होते नहीं है, ऐसे ही लिखा होता है। लेकिन दोस्तों तो आप जो है हमारे जो तजुर्बा है हम उसको ला के बेचते भी, उसको रिपेयर भी करते हैं, तो हमारे तजुर्बे के मुताबिक आप उसको 35 वाली बैटरी से लेकर 80 वाली बैटरी तक आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और बेहतरीन कारकर्दगी के साथ ये चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 8 ए का चार्जर। और ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगा दोस्तों, तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी मिल सके। दोस्तों आप अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स किया करें, कुछ पूछ भी लिया करें। दोस्तों आप जो है देखते हो इतने सारे व्यूज़ आते हैं, लेकिन आप देखते नहीं हो, सब्सक्राइब तो दूर की बात है, तो प्लीज़ देखिए और उस वीडियो को मुकम्मल देखिए, इसमें आप लोगों के फायदे की बात है। तो इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन वाली बात करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट के लिए मैंने जो कॉल हो गई है। तो तीसरे नंबर पर दोस्तों मेरे पास है चार्जर, इजी चार्जर 10 एम का। ठीक है दोस्तों, ये है 10 एम और जो है बेहतरीन चार्जर ही है और बेहतरीन चलने वाला और ज़्यादा इसकी डिमांड भी ज़्यादा है दोस्तों। और जो है अब इसको मैं
अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को आप अदा ना देखें, पूरा देखें, आप लोगों का फायदा है। 10 मिनट का वीडियो पूरा नहीं बन रहा है, तकरीबन 7-8 मिनट का वीडियो बनाता हूँ मैं, तो 7-8 मिनट का वीडियो नहीं बनेगा और आप सबका बहुत फायदा है। तो ये जो सीज़न है, ये इन चीज़ों का साइज सीज़न है और बहुत से सारे दोस्त कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अब मेरे पास इतनी वाली बैटरी और कौन सा चार्जर लूँ तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कन्फ्यूजन आप लोगों का मैं दूर करूँगा और वीडियो जो है प्लीज़ पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करें। तो दोस्तों जो है ये 8A का चार्जर है और बेहतरीन चार्जर है। इसमें जो है आपको वोल्टेज भी दिखेंगे और ये जो डिजिटल डिस्प्ले है और इसमें एम्पेयर भी दिख रहे हैं, कितने एम्पेयर तक ये चार्ज शुरू कर रहा है। और जो है ये जो एम्पेयर है, ये चार्ज होने से पहले जो बैटरी आप लगा रहे हो तो बैटरी लगाओ तो एम्पेयर ज़्यादा होते हैं और जब चार्ज हो जाए जितनी ज़्यादा चार्ज होगी ना एम्पेयर डाउन होते जाते हैं, जब ये एम्पेयर आखिर जब जीरो हो जाता है तो बैटरी फुल हो जाती है। और ये वोल्टेज मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल मेरे पास लाइट नहीं है, मैं अपनी लाइट के लिए UPS ऑन कर दिया हूँ मैंने। तो अगर लाइट होता तो मैं जरूर आप लोगों को इसके बारे में दिखाता और बाद में भी इसके बारे में, इसके डिस्प्ले के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस जो ये जो वाले चार्जर है और जो पिछले मैंने चार्जर दिखाया था 8M का, तो आप उसको तो 80 तक यूज़ कर सकते हैं। इस वाले जो 10 एम्पीयर वाले चार्जर है उसको आप 80 से आगे यूज़ कर सकते हैं, आप जो है 35-40 वाली बैटरी से ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आप इसको लेके जो है आप इसको 120 वाली बैटरी तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 12 वोल्ट का चार्जर है, 120 वाली बैटरी तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और आप जो है अक्सर इस तरह मैंने देखा है घरों में और मेरे पास जो अच्छी बात है इसके मुताबिक 80 और 120 तक की बैटरी होती है घर में, हम शमसी वगैरह बल्ब जलाने के, 12 वोल्ट बल्ब जलाने के लिए और इस तरह छोटे मोटे UPS वगैरह के लिए 100-120 वाली बैटरी होती है घर में। तो आप जो है ये इससे बड़े चार्जर ना लें। ठीक है दोस्तों, अगर ख़राब होने तो चाइना चीज़ें एकदम ख़राब हो जाता है, ना हो ख़राब तो ये बेहतरीन चल जाते हैं ये वाले चार्जर जो है। तो आप 120 तक की बैटरी के लिए आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा भी फिर लाइट का मसला हो गया दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैंने लाइट ऑन कर दिया है और जो है लाइट का बहुत मसला है दोस्तों, ये सरिया होती है, हीटर मेटर चलाते हैं तो इस तरह लाइट का बहुत मसला हो गया, लोड शेडिंग है। तो आपने देखा कि इसको 120 वाली बैटरी तक आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 100-120 तक की बैटरी है तो आप ये वाले चार्जर खरीदें, ये इजी वाला चार्जर है और आपको ये मार्केट से आराम से 1600-1700 का आराम से मिल जाएगा। 1600-1700 पहले ये सस्ते थे लेकिन अभी ये महंगे हो गए हैं। 1600-1700 तक आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा। अगर आप थोक में खरीदना चाहेंगे तो इससे भी आपको सस्ता मिल सकता है, लेकिन आप परचून चार्जर खरीदना चाहो तो ये 1600-1700 तक आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो बेहतरीन चार्जर ये। तो अब जो है दोस्तों, मैं चौथे नंबर पर आपको चार्जर दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये है 12 वोल्ट 24 वोल्ट 15 एम। ठीक है दोस्तों, ये जो है चार्जर है बेहतरीन, ये मार्केट में नया आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और बेहतरीन चार्जर है, ये देखिएगा, ये चार्जर है बेहतरीन चार्जर है। और जो है इसमें आप देख सकते हैं ये जो बटन है ये ऑन ऑफ की नहीं है, ठीक है, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग के लिए है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं डिस्प्ले, इसमें बड़ी बैटरी नज़र आती है और जो है इसमें है ये वायर देख सकते हैं, बहुत मोटी वायर है। सही चार्जर की पहचान के लिए आप इस वायर को देखिएगा। अगर आपको चार्जर आपने चार्जर खरीदा और उसको सही चार्जर की पहचान पर आप देखना चाहो तो ये वाली वायर देखें, मोटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बेहतरीन चार्जर है। और इसमें आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको, तो आपने देखा ये जो है 12 वोल्ट 24 वोल्ट, ये आप जो है एक बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं और सीरीज में लगा के दो बैटरी भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो 15 एम्पीयर का चार्जर है, ये आप बैटरी तो जितनी मैंने जरूरत के मुताबिक देखा है 200 तक की बैटरी होती है, 200। ठीक है दोस्तों, 200 की बैटरी 27 पीरियड वाली बैटरी भी हो तो ये ऐसी दो बैटरी एक साथ चार्ज कर सकता है। देखिएगा 24 वोल्ट का है और 200 वाली दो बैटरी आप एक साथ इसको चार्ज कर सकते हैं और बेहतरीन चार्जर है। इसमें 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है और चार्जिंग का 3 LEDs है, ये खुद ब खुद सेलेक्ट करता है। अगर आप एक बैटरी लगा रहे हो तो ये 12 वोल्ट खुद सेलेक्ट करता है और आप दो बैटरी लगाते हो तो ये 24 वोल्ट खुद सेलेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो है आप इसमें एक बैटरी लगा रहे हो तो इसमें ये वाले LED जलेगी और ये चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जब फुल हो जाएगी तो ये LED में जो बैटरी नजर आती है भी इस तरह मोबाइल की तरह चलती है और ये आकर रुक जाती है, फुल रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेहतरीन चार्जर है और आप उसको 100 वाली बैटरी से लेके आप उसको 200 तक की दो बैटरी तक आराम से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये जो है बेहतरीन चार्जर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए और कभी कमेंट्स भी क्या करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।